अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टूर है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस का। हाय। ओवर लगाया मैंने ये 2 मिनट में। ओवर। ये मुझे बाहर पिक करने भी नहीं आई, जाहिल औरत। यहाँ तो बेटा वहाँ से चल के आई हूँ। हाँ रहने दो रहने दो, जलील किया कॉल पे इसलिए। आओ अंदर। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? जूलॉजी। जूलॉजी तुम्हारा बेकार डिपार्टमेंट। यस। ये हमारी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऑडिटोरियम, ये हमारा बेस्ट ऑडिटोरियम है, हमारी यूनिवर्सिटी का एक ही है। अच्छा ये है कंप्यूटर डिपार्टमेंट। यार वो बॉटनी, तुम्हारा एक सेकंड, तुम्हारा नाम जूलॉजी है ना? हाँ मेरा नाम जूलॉजी नहीं, तैयारी तुम्हारा तो बॉटनी ही है ना? ये बॉटनी नहीं है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे और भी है कुछ? हाँ अंदर बॉटनी भी है। एनवायरमेंटल है, ये हफ्सा वाला है डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक है। और ये तुम्हारा है ना, तुम्हारी दोस्त मुझे देख लूँगी, ये शिशोरी औरत है। अच्छा अभी हम लोग, हाँ ठीक है, बता देते हैं थोड़ा। कॉलेज है ये, क्या है लैब? नहीं मैं वहाँ पर नहीं आ रही, ये लैब है। कौन सी लैब है? ये ऐसी हमारी लैब, रैंडम लैब है, पढ़ते हैं। और बाकी ये सब दो औरत है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आइए। की भी रूप बदलती है माय क्लास। ऊपर क्या है? जियोलॉजिकल। ऊपर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ये दिखा रहा है जियोलॉजी डिपार्टमेंट। सही है। यहाँ लोग ऐसे क्यों देखते हैं? डिपार्टमेंट हमारे छोटे बने हुए हैं, क्योंकि हमारी छोटी यूनिवर्सिटी है। तो मिलते हैं आपसे एक के बाद। छोटी तो नहीं है, बड़ी है। अच्छा खैर, एक ये है और दूसरा ये है। सही, ठीक है। अभी हम आपको जब फार्मेसी डिपार्टमेंट लेके जाएंगे तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आप बोलेंगे ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है। क्यों? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आइए। सही, पैसे दिए होंगे ना उन्होंने मेंटेन करने, तो आप लोग भी दिया करें। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? आपको यहाँ वाले ये वाले डिपार्टमेंट जाना है अंदर। ये CS है ना? है ना, कंप्यूटर साइंस का है ना? और माहौलियाती साइंस बोले थे, इन्वायरमेंटल साइंस। ओके अच्छा, तो हम जाए क्या करेंगे? कोई खास वो थोड़ी दिखा दो। हाँ वही ना, देख लिया इन लोगों ने, ये देख लिया इन लोगों ने। मेन ऑडिटोरियम ये हमारी वार्षिक टक शॉप है, जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। अच्छा ये वो है, बाहर ही जाते हैं, मतलब वो है ना जो होती है खाने पीने की शॉप, खाने पीने की शॉप नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, वो जहाँ पे एडमिशन्स का मालूमात होती है वो कहाँ है? वो यहीं से, वो बंद हो गया उनका दरवाज़ा। मैं जानती थी कि बंद हो जाएगा, तभी मैंने तुम्हें कहा था जल्दी बुलाओ मुझे। पर ये अच्छा, तो अब ना जो दूसरी बाकी यूनिवर्सिटी है ना, वो उस तरफ है, उस तरफ, ये सामने, ये अलग है, वो अलग है। अच्छा तो ग्राउंड बंद है, तो हमें रोड से जाना पड़ेगा, जो बहुत लंबा रास्ता होने वाला है। आई जस्ट हेट दिस थिंग, यू नो। मुझे लगा कि ये भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, मगर ये हद ही है, मतलब हम आ गए मगर नहीं, अभी भी हमें बहुत चलना है। अच्छा जी, तो अब फाइनली हम पहुँचे हैं यहाँ पे, पता नहीं दिख भी रहा है मेरे मोबाइल में नहीं। ये हमारा मेन गेट है, मेन गेट। तो क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि ना, उन्होंने कहा था कि पता नहीं एप्लीकेशन ले एंट्रेंस, और अच्छा अच्छा अब मुझे बताओ कि कौन सा क्या है। वो तो BBA है ना, BBA वाला BBA है ये, यहाँ लाइब्रेरी। अच्छा हाँ, और जो सामने वाला है ना, लास्ट टाइम हम जब आए थे ना, तो सामने वाले डिपार्टमेंट में कोई मोर्चा वोर्चा समथिंग चल रहा था, मतलब वो जो होते हैं ना कुछ, क्या वो चल रहा था ये वाले डिपार्टमेंट में, इधर ये आएगा। हाँ संडे को अखबार में इन्फॉर्मेशन है, ये है हाँ ये मेन ब्रिज, ये तो ये अच्छी है। अच्छा तो इसमें हम जा सकते हैं? अभी अच्छा पहले एक सेकंड, ये जो मेन बिल्डिंग है ये डिपार्टमेंट कौन सा है? ये भी कोई डिपार्टमेंट है? अरे तो वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, और ये वो है लाइब्रेरी। सही, ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। तो
अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी का ही पूरा टूर कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी एडमिशन से रिलेटेड और एक और चीज़ मतलब मालूम करना था। अच्छा, ये इनका मेन डिपार्टमेंट है, ठीक है, और ये अभी बात कर रही है सर से जिनसे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है उसके हवाले से, किसके एक सेकंड, एक तो मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ ना, उसके बता नहीं सकती। हाँ, मार्कशीट के हवाले से एडमिशन लिया था अब्दुल्ला कैंपस में, उसके साथ उसके उसके उससे रिलेटेड मतलब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। क्या बोली थी भाई? इंग्लिश का जो डिपार्टमेंट है यहाँ का बहुत घटिया है, बहुत घटिया है, कभी भी नहीं एडमिशन लेना, मतलब बहुत छोटा सा है और बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है और बहुत छोटा सा है। हाँ, कौन सा डिपार्टमेंट है? अच्छा, मुझे अभी ढंग का यही डिपार्टमेंट लगा है, मजाक से हट के। ऊपर क्या है? अच्छा, इन्होंने सिर्फ इसी बिल्डिंग पर काम किया है। ये लैब्स हैं और क्लासेस हैं, और यहाँ पे इस पे और किसका डिपार्टमेंट है? ऊपर लॉ का डिपार्टमेंट, ऊपर लॉ का है, और बाकी साइकोलॉजी और भी तो 10,000 सब्जेक्ट्स हैं ना। चलो ठीक है, इनसे पूछ ले। निकले ना, हम निकलते हैं, दूसरे वाले में जाते हैं। के यू भी जाना है ना तुम्हें अभी? नहीं, मैं के यू नहीं जा रही, लकड़ियों को लेके गया था। अच्छा, तो ये इनका खूबसूरत सा डिपार्टमेंट है, एक इकलौता। मैंने बोला थे क्या ये सच अ बिग डिफरेंस ना, मतलब वहाँ क्या और यहाँ क्या, सच अ बिग डिफरेंस, लिटरली में डिफरेंस है इसमें तो। ये हमारे डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी है, साइकोलॉजी भी है। अच्छा, यहाँ पे कैंटीन अच्छी है, मतलब कोई अच्छी कैंटीन? नहीं, और यहाँ पे साइकोलॉजी है। अल्लाह, वहाँ अंदर से यहाँ से गेट नहीं है। ये जगह थी छोटी जो मुझे वॉशरूम लगा था? वहाँ आगे सामने। अच्छा, हाँ, एंटर होते ही जो था। हाँ, सही सही सही, आई गॉट इट। अच्छा, अगेन एक लुक, यहाँ से अच्छी क्लासेस प्रॉपर होती हैं, पढ़ाई के लिहाज से अच्छी है, पढ़ाई के लिहाज से अच्छी है, यहाँ पे क्लासेस प्रॉपर होती हैं, बस फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मिलेंगी। बाकी सब यहाँ पे पढ़ाई प्रॉपर होती है, लैब्स होती हैं, जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी है उस तरह। हाँ, कराची यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं होती हैं प्रॉपर, नहीं होती, मगर अभी फरहत बाजी की बहन जा रही है लाइबा, उसकी तो क्लासेस प्रॉपर हो रही हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में होगी? तो आगे नहीं होगी। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हम लोगों का, अभी हम लोग सिक्स्थ सेमेस्टर में हूँ मैं, हम लोग प्रॉपर पूरी क्लास लेते हैं। अच्छा, सही सही। और ये आ गए हम कौन से डिपार्टमेंट? हम जा रहे हैं BSc ब्लॉक। हाँ, जहाँ पे केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, ये मेन एंट्रेंस है, और यहाँ से अभी हम जाएंगे अंदर उस पर। हाँ, माशाल्लाह से। हाँ भाई, अच्छा यहाँ पे कैंटीन नहीं, वो बस वही है ना? हाँ, वो है। हाँ, लास्ट से मैंने वहाँ से जूस लिया था, सब कुछ याद है। वाह। अच्छा, अभी ये कौन सा डिपार्टमेंट है? BSc। ओके, ये हम आ गए BSc ब्लॉक में। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस लिटरली में। अल्लाह तहरीम, हम कहाँ आए, हम कहाँ से निकल के कहाँ आ गए? क्या है ये? केमिस्ट्री। ओके, ऊपर क्या है? ये क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऊपर है, माइक्रोबायोलॉजी। और बाकी सब्जेक्ट्स? ये मतलब क्या आप? अच्छा, इसका मतलब है कि मेरी सख्ती से वो है पाबंदी, मैं नहीं एंटर हो सकती। ये ऊपर आ गए हैं। है ना, यहाँ पे ना किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है भी या नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं है इन लोगों को। खैर, अभी हम मतलब क्या पता हो ना हो, क्योंकि अब्दुल्ला कैंपस में है साइकोलॉजी और इंग्लिश डिपार्टमेंट, जो मैं वहाँ पे जाने नहीं वाली। नेवर 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 एवर। लेट्स सी, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। कौन? अच्छा, अब हम लोग ये बाहर आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से डिपार्टमेंट दिखे थे हम लोगों ने उस यूनिवर्सिटी के तुम्हारे ब्लॉक में? CS, बॉटनी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, और यहाँ पे हमने आके फार्मेसी, लॉ, हाँ, बी
सब ये ठीक है सही है। अच्छा एक गेट ये भी है इनका, सही है। वैसे ओवरऑल 3 गेट हैं इनके। और जो यहाँ ये जो जा रहा है ना लड़का उधर, वो ग्राउंड है जो बहुत बड़ा है जहाँ पे मैं जाने नहीं वाली। तो ये थी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पे इनकी कैंटीन है जो बहुत ही अच्छी दिख रही है नहीं के साथ। ये तुम लोग की मस्जिद है, ये भी इन लोग की मस्जिद है। ओ माय गुडनेस सहरीम, ओ यहाँ से चल के जाएंगे हम? अच्छा सही सही, तुमने मुझे डरा दिया। मिल गया एडमिशन तो पढ़ लो अब। सही, कौन सा गेट है ये? आगे वाला। अच्छा वो वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 साल कंप्लीट भी हो गए हैं माशाल्लाह से। सिर्फ 1 साल रहते तुम्हारे यहाँ इस जगह की शक्ल ही नहीं देखनी कभी। तो तुम कहाँ जाओगी, मास्टर तो करोगी ना? नहीं समझो, ये मुझे मास्टर्स की डिग्री मिलेगी ना। हाँ सही सही, जैसे मुझे मास्टर करना है अभी। सही सही, मास्टर्स की डिग्री मिलेगी डायरेक्ट। हाँ सही सही, आई गॉट इट। अभी तो यार मेरा मसला और है, पता नहीं क्या। आप देखो ये लोग बीए जो 2 साल का था ना उसके बाद मास्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लोग मास्टर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आई डोंट नो। ओके सो टाइम टू लीव दिस प्लेस नाउ। पूछो यहाँ पे है भी या नहीं। रहीम के पीछे पड़ चुका है बच्चा। सी मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो चिपड़ जाते हैं पीछा नहीं छोड़ते। कुछ लुक यूनिवर्सिटी का, यहाँ से ये रही यूनिवर्सिटी। सो फाइनली आई एम होम नाउ। मतलब आपको मेरी आवाज़ का पता चल रहा होगा कि कितनी लाइट हो गई है, क्योंकि इट वॉज सच अ टाइडी डे। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी जा रही, यूनिवर्सिटी गोइंग है, लिटरली मैं हैट्स ऑफ गाइज। मतलब यू गाइज आर अमेजिंग। मतलब मैं तो नहीं कर सकती बिल्कुल भी नहीं, ऊपर से जॉब के साथ तो यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करना इज़ सच अ बिग मैस। मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो आई होप कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो नहीं थी, बट आई गेस मैं आपको डिपार्टमेंट विज़िट करवा दिए थे। फेडरल यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो बहुत ही सस्ती है। मतलब बहुत कम रेट्स में वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई आप मतलब पैसे कम है ना, फीस कम है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की हालत कैसी थी। खैर तहरीम ने बताया कि वहाँ पर क्लासेस डेली होती हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, पढ़ाई अच्छी है, मतलब है सही है। मुझे मालूम करना था, यहाँ पे तो साइकोलॉजी का इंग्लिश का डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। और अब तो मेरा कंफर्म हो गया कि मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं लूँगी। मतलब नो फॉर द एडमिशन, मैं नहीं लेने वाली। दूसरी चीज़ एक और चीज़ मालूम करनी थी, मार्कशीट से रिलेटेड, मतलब फरहत बाजी की कुछ था उनका काम था, वो भी मालूम करना था। तो खैर वो भी हो गया। तो अब उन्होंने बताया कि एडमिशन्स आ रहे हैं, संडे का जो मैगज़ीन आएगा, लाइक जो कमिंग संडे है, आज क्या है 22 है, 23 है, आज 23 है, ठीक है। 23 के बाद जो अब संडे, कमिंग संडे आ रहा है, इसमें मैगज़ीन आएगा। देखा जाए तो हमें तो पढ़ाई देखनी है ना कि पढ़ाई कैसी है, और पढ़ाई अच्छी है तो फिर हम क्यों किसी चीज़ को गलत बोलें। खैर एडमिशन्स आएंगे अभी संडे, कमिंग जो संडे मैगज़ीन, उसके अंदर एडमिशन्स का सारा होगा, फ्री स्ट्रक्चर आएगा। फ्री स्ट्रक्चर तो नहीं होगा बट सारा कुछ होगा। अब्दुल्ला कैंपस, 2 कैंपस हैं इनके। अब्दुल्ला कैंपस में मेरा एडमिशन हुआ था 2018 या 2019 की बात है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, जो मैंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मतलब पता नहीं मैं क्यों फेडरल यूनिवर्सिटी की तरफ आ रही हूँ, आई डोंट नो। बट खैर सी क्या होता है आगे। 2 कैंपस हैं, जो ये वाला गुलशन कैंपस है ये मेन कैंपस है। अब्दुल्ला कैंपस जो है वो मतलब ये बहुत ही अच्छा था अब्दुल्ला कैंपस के मुकाबले में। मतलब अगर इन दोनों कंपैरिजन किया जाए तो ये गुलशन कैंपस इज़ वे मोर गुड दैन अब्दुल्ला कैंपस। सो आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। इट विल बी एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई डोंट नो। मैंने तो बस विज़िट करवाया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, कोई और एक्टिविटी करते हुए या कुछ और करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड यस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें लाजमी। मतलब आई डू हैव इंस्टाग्राम पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट, आई डू हैव इट। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डाल दूँगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।